गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 30th of August 2022। आइए देखते हैं कि मंडे का दिन में डिफरेंट एक्शंस क्या क्या हुआ है ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर्स, एंड फ्रॉम हियर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी को लेके ये प्री मार्केट एनालिसिस होगा। ये है डॉलर इंडेक्स, अभी है 108.67 पे। कल हमने देखा है एक इन्वर्टेड पिन बार वाला फॉर्मेशंस, जो यहाँ पे हाई मूव हुआ है आपका 109.48 तक, लेकिन वो अपर लेवल पे सस्टेन हो नहीं पाया है। दैट बीइंग द केस, ये जो 109.50 110.00 वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। So, जब तक दैट पर्टिकुलर रेंज इज नॉट ब्रोकन, तब तक हमें थोड़ा सा आइदर कंसोलिडेशन और सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टनेस ऑन इंडेक्स में भी सीन। डॉलर रुपी में हम देखेंगे, डॉलर रुपी में भी कल जो ट्रेड हुआ है, ये ट्रेडेड इन बिटवीन आपका 80.13 ऑन द हायर साइड एंड 79.88 ऑन द लोअर साइड। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 80.05 से 80.13 लेवल्स में काफी सेलिंग इंडिकेशंस था। दैट मींस यहाँ पे आपका सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशंस आर देयर, जहाँ पे आरबीआई इज नॉट रेडी टू लेट गो एंड 80.00 दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दैट वन। बट हमें यहाँ पे देखना है कि उनका रिजॉल्व कितना तगड़ा है, यानी आर दे रियली going to defend this particular level, that is 80.00 से 80.30 or not, ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। And also, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है, आने वाले दिनों में डेली बेसिस पे अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है एंड उसके लो के नीचे नेक्स्ट दिन फॉलो थ्रू मिलता है, देन इन सच केस एक सॉफ्टनेस हम हल्का सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में देखते हैं, जीबीपी डॉलर में एक पिन बार बनाया हुआ है एट द लोअर लेवल्स। कल हमने देखा है कि इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.1648 एंड 1.1744 एंड ये जो पिन बार है एट द बॉटम लेवल्स, बेसिकली कल के हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन अपवर्ड होगा ये कैंडल के हाई के ऊपर, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एक हमें अच्छा खासा अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। सो कल के हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं एंड 26 अगस्त के हाई के ऊपर एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर टाइम बीइंग लो जो है, कल का जो लो है वहां पे आपका एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, बिकॉज लोअर लेवल पे प्राइस एक्शंस हमने देखा है। जीबीपी आईएनआर हम देखेंगे तो एक कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड विथ हाई विक्स प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ द टू साइड्स, यानी हायर साइड एज वेल एज लोअर साइड में। तो हमारा जो एक सपोर्ट जोन है 93.20 से 93.60, ये सपोर्ट जोन पे कल अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया है, प्राइस लोअर लेवल पे भी रिजेक्शन हुआ है एज और ऊपर की तरफ। व्हाट इट मींस दैट बीइंग द केस, अभी प्राइस 94.85 एंड 93.20 इस एरिया के अंदर में ही फॉर टाइम बीइंग प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद आइदर साइड ब्रेकआउट में ओपन द डोर अकॉर्डिंगली। यूरो डॉलर में देखेंगे, कल यहां पर भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है जो आपका 23 अगस्त के लो के नीचे जा नहीं पाया है, सो प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है at 0.99 on the lower side and आपका 1.01 on the higher side, यानी दो बिगी के बीच में आने वाले कुछ दिनों में प्राइस
मूव हो सकता है। यूरो एनर अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्शन हुआ है एंड अभी है 80.00 लेवल्स। सो दैट बीइंग द केस ऑन द लोअर साइड 79.00 एक सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करना चाहिए। हायर एज आपका 26 अगस्त का हाई दैट इज आपका 80.40 इज मींस इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में अगर हम देखेंगे, डॉलर येन में कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 137.56 ऑन द लोअर साइड एंड 139.00 ऑन द हायर साइड एंड फाइनली अभी है 138.56। ये जो आपका जोन है दैट इज आपका 138.60 से 139.70 इज गोइंग टू एक्ट एज ए मिस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन। इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या यहाँ पे रेस्पेक्ट लेके फिर दोबारा सॉफ्ट होता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस में प्राइस एक्शंस देखेंगे तो आप देखोगे कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है एंड उसका जो स्विंग लो है वो है आपका दिस वन दैट इज 135.7080। सो ये है स्विंग लो। जब तक इस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में प्ले अराउंड करेगा एंड ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। जैसे ही ये 135.7080 जोन को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस जो है वो निगेट कर जाएगा एंड प्राइस विल एंटर इनटू ए चॉपीनेस। येन आईएनआर को अगर हम देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.5803 एंड 0.5760। दैट बीइंग द केस हम यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई टर्म्स में अगर देखेंगे ये अब 40 के लेवल के आसपास है। ये आने वाले दिनों में हमें देखना है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या सेल ऑफ कंटिन्यू करता है। ऐसे भी हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स होगा वो है आपका 0.5720 से 40 के बीच में होगा जो इमीडिएट माइनर सपोर्ट लेवल्स है एंड उसके बाद का जो सपोर्ट आने वाला है वो 0.5700 से 0.5710 की तरफ हो सकता है। और डॉलर कैंडी में हम देखते हैं, डॉलर कैंडी में आपका ये हायर लेवल पे यानी ये जो ब्रेकआउट होने के बाद जो प्राइस रिजेक्शंस यानी प्राइस कंटिन्यू नहीं हो रहा है ऑन द हायर साइड। कल भी हम देखेंगे देखते हैं कि प्राइस में प्राइस एक हायर लेवल पे रिजेक्शंस हुआ है, एक इन्वर्टेड पिन बार वाला फॉर्मेशंस आया है तो ये हमें यानी तो जिसका जो हाई है इसके हाई के ऊपर प्राइस फॉलो थ्रो करता है तो हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इसके लो के नीचे थोड़ा सा प्राइस सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इमीडिएट स्विंग लो है ये दैट इज 1.2880 इसके लो के नीचे ये जो एक छोटा सा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बन रहा है वो निगेट कर जाएगा। $80 में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स एंड प्राइस जो मूव हुआ है इन बिटवीन 0.6925 एंड 0.6840। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्राइस अभी फॉर टाइमिंग कंसोलिडेट होना चाहिए बिफोर गिविंग ए क्लियर डायरेक्शंस। CNH में अगर हम देखेंगे कि एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव हुआ है एंड कल हमने देखा है कि इसका जो हाई था वो 6.9318 था तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था ऑन 25 अगस्त का वहां पे हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्राइस यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसके ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है एंड अभी थोड़ा सा हायर एंड में प्राइस जा सकता है। एनी डीप मे बी बॉट इन दिस इंस्ट्रूमेंट एज ऑफ नाउ। यूके ऑयल यानी ब्रेंट ऑयल अगर हम देखेंगे ये
ये जो W पैटर्न का निगेट करने का कोशिश कर रहा था, यहाँ पे दो कैंडल बना था, एक है आपका 25 अगस्त का हाई एंड दूसरा वाला है आपका 26 अगस्त का लो। तो यहाँ पे जैसे दोनों दोनों आइदर साइड का ब्रेकआउट पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो 25 अगस्त का हाई के ऊपर कल ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, एंड ये जो W पैटर्न का जो आपका टारगेट है दैट इज आपका 109.00, उस और ये मूव कर रहा है। लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका होना चाहिए 107.20 से 107.50 के बीच में। ये मेरा जो वीकली एनालिसिस का जो था जिसमें टिकर टीवी के वहां पे हमने एक एनालिसिस एक दिया था, उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो नेक लाइन पे एक कंसोलिडेट किया, एक पॉज किया, उसके बाद एक इंडिसिशन था कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि वी आर नॉट बायस टुवर्ड्स प्राइस एक्शन मींस एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, रेदर वी ट्राई टू फॉलो द प्राइस। तो यहाँ पे जो प्राइस का फॉलो थ्रू था ये आपका मींस आइदर 25 के हाई के ऊपर या 26 तारीख के लो के नीचे, यानी वी आर नॉट डायरेक्टिंग द प्राइस टू मूव एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, रेदर वी वांट टू वॉच एंड मॉनिटर द प्राइस एक्शंस। यूएस 10 ट्रेजरी देखेंगे कल एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ, बेसिकली अच्छा खासा नहीं बताएंगे, रेदर हम बताएंगे एक सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन या पॉज है, हायर लेवल पे थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन हुआ है, एंड यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन है। शार्प ट्रेंड लाइन का जो एंगल है दैट इज मोर देन 45, इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है। तो ये जो शार्प एंगल है दैट शोज दैट प्राइस ज्यादा देर तक यहाँ पे सस्टेन कर नहीं सकता है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इस प्राइस ट्रेंड लाइन के लो के नीचे कब ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, एंड उसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस, यानी सिर्फ प्राइस ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने से नहीं होगा नीचे की तरफ, उसके बाद हमें प्राइस एक्शंस देखना है कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है या नहीं। अगर ये करता है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी जो ये ट्रेंड लाइन है इसका जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री टाइप, विच इज नॉट सस्टेनेबल ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। दैट मीन्स हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि ये नीचे जाएगा, बिकॉज आवर जॉब इज नॉट टू डायरेक्ट द प्राइस टू मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, रेदर वी विल वेट फॉर सर्टेन सिग्नल्स। यहाँ पे सिग्नल्स यही है ट्रेंड लाइन एंड देन लोअर हाई लोअर लो। ये जो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।